बॉलीवुड में देखा जाए तो ऐसे तमाम स्टार्स हैं जो कि आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होते रहते हैं, और अब इस लिस्ट में नाम शामिल हो गया है सोनाक्षी सिन्हा का। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा जमकर की जा रही हैं ट्रोल। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन में नजर आई, और इस मौके पर बिग बी ने सोनाक्षी सिन्हा और उनके साथ सह प्रतियोगी से एक सवाल पूछा, और इस सवाल का सोनाक्षी सिन्हा को आंसर ही नहीं पता था, जिसकी वजह से वो हो रही हैं ट्रोल। तो आइए बताते हैं कि आखिरकार बिग बी ने सोनाक्षी से और उनके सह प्रतियोगी से कौन सा सवाल किया था। दरअसल बिग बी ने पूछा था कि रामायण के अनुसार हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे, और इस सवाल का जवाब सोनाक्षी सिन्हा नहीं दे सकी, जिसके कारण वो हो रही हैं जमकर ट्रोल। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोनाक्षी को चार विकल्प में काफी उलझन थी, और ये विकल्प थे सुग्रीव, लक्ष्मण, सीता और राम। सोनाक्षी के सवाल पर जवाब नहीं आने के कारण उन्हें एक लाइफलाइन का उपयोग करना पड़ा, और इसी के लिए सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। वही एक ट्रोलर ने लिखा है, पिता का नाम शत्रुघ्न, चाचा का नाम राम, लक्ष्मण भरत, भाइयों का नाम लव और कुश, बंगले का नाम रामायण, ये महिला शिक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ध्वजवाहक है, लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इतना ही नहीं, एक ट्रोलर ने लिखा है, अभी मैंने सोनाक्षी सिन्हा का क्लिप देखा है जिसे विशेषज्ञ ने उत्तर दिया है और उनका अभिवादन। जिस प्रकार उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के मुंह पर उनकी मूर्खता पर प्यार से चांटा जड़ा है, वह स्तुतिपूर्ण है। मुझे विशेषज्ञ का नाम नहीं पता, अगर आपको उनका नाम पता है तो उन्हें बताएं। इतना ही नहीं, इसके बाद ट्रोलर ने इसे सोनाक्षी सिन्हा केवीसी 2019 और केवीसी 11 को हैशटैग किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा को इतनी जमकर लताड़ लगाई जा रही है कि लोगों ने उन्हें बॉलीवुड की नई आलिया भट्ट बता दिया है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा को आखिरी बार मिशन मंगल में देखा गया था, फिलहाल तो वो मालदीव में छुट्टियां बिता रही हैं। फिलहाल हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। अगली बार मैं प्रांशु राठौर फिर हाजिर होंगी ऐसी ही तमाम खबरें लेकर।